राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा घातक साबित होने लगा है। एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने नए मामलों का यहां रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटे में 7,830 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन में सर्वाधिक है। वहीं राजधानी में कोरोना से मौत के आंकड़े ने बीते 5 महीने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में 83 मरीजों की मौत हो गई। ये पिछले करीब 5 माह में एक दिन में मौत का सबसे अधिक आंकड़ा है। इससे पहले 16 जून को 93 मरीजों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अब तक कोरोना के 4,51,382 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,02,854 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 89.24% है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 7,143 पर पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना से मृत्यु दर 1.58% है, तो वहीं दिल्ली में संक्रमण की दर 12.84% से बढ़कर 13.26% हो गई है। मौजूदा समय में कुल 41,385 सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से 8,262 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो वहीं कोविड हेल्थ सेंटर में 279 मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में अब तक कुल 51,97,924 सैंपल की जांच हुई है। पिछले 24 घंटे में 59,035 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 17,810 सैंपल आरटीपीसीआर और 41,225 सैंपल की एंटीजन जांच की गई। इनमें से 13.26% सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे एक दिन पहले संक्रमण दर 12.84% थी। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने से कंटेनमेंट जोन भी बढ़ते ही जा रहे हैं। मौजूदा समय में 3,947 कंटेनमेंट जोन हैं। एक दिन पहले तक 3,882 कंटेनमेंट जोन थे। इस तरह एक दिन में 65 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इन बढ़ते केसेस के बीच दिल्लीवासी त्योहारी मौसम में और ज्यादा लापरवाह नजर आ रहे हैं। बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिन दिल्ली के लिए और ज्यादा मुश्किल साबित हो सकते हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। Yeah.